हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल सीएनटी सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, जो समरी टेस्ट का फोर्थ पार्ट का बी पार्ट है, ये इसलिए है क्योंकि पिछली जो वीडियो बनाई थी वो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो इसलिए मैं इसका बी पार्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आज इस वीडियो में सीखेंगे डॉग लेग स्टेयरकेस डिज़ाइन। तो आपको क्या करना है, तो आपका कुछ इस तरह से क्रॉस सेक्शन बनेगा। आपको क्या निकालना है कि जो आपका स्टेयरकेस है उसमें आपको क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेड निकालनी है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ये कहाँ से बनेगी, यहाँ से। तो ये आपके क्रॉस सेक्शन है, तो मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है, तो आपको ये लंबाई चौड़ाई निकालनी है कितनी बनेगी। उसके बाद आपको ये हाइट, मैं अभी इसी वीडियो में समझाऊंगा किस तरह से आपको ये हाइट निकालनी है। ठीक है, हाइट क्या था, 3000 मिलीमीटर आपके पास हाइट है, आपके पास है, तो इस तरह से आपका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर क्या बनेगा। तो उसके बाद देखते हैं इस तरह से, अगर आपकी कोई बिल्डिंग है, कोई हाउस है, कोई घर है, तो आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे, तो ये सभी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या है। तो आपके पास डॉग लेग स्टेयर का डिज़ाइन बनाना है, आपको उसका लेआउट देखना है कि आपका इनर टू इनर डिस्टेंस क्या रहेगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या रहेंगे, नंबर ऑफ राइजर्स क्या रहेंगे। ओके, तो यह एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, अगर आप सिविल इंजीनियर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक इंजीनियरिंग में है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप वो नहीं है, आप सुपरविजन है, साइट इंजीनियर है, तो तब भी आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए देखते हैं, हाइट ऑफ फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर कुछ भी हो सकता है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर उसके ऊपर आप जैसा भी चलते जाएंगे तो लेवल सेम होना चाहिए, 3 मीटर। आप कुछ भी ले सकते हैं, मिनिमम तो 3 मीटर होता है जनरल बिल्डिंगों में। ठीक है, तो इसी वजह से ये 3 मीटर लिया है। ओके, देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। राइजर है 150 मिलीमीटर का, ट्रेड्स है 300 मिलीमीटर की, लैंडिंग है आपके पास 1000 मिलीमीटर वाइड है आपके पास ये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं, नंबर ऑफ राइजर्स निकालने हैं, और टोटल ट्रेड्स निकालनी है, और स्टेयरकेस का साइज निकालना है। ओके, चलिए देखते हैं। आपको पता है टोटल गोइंग्स कितनी है, 2 नंबर्स। डॉग लेग स्टेयर में आपको पता है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक का कितनी लैंडिंग आती है, 2, वो गोइंग फ्लाइट, गोइंग बोल सकते हैं या फिर फ्लाइट बोल सकते हैं। ठीक है, फ्लास्ट गोइंग होगी, देखो ये होगी, ये होगी आपकी फास्ट फर्स्ट गोइंग, आपके पास ये क्या हुआ, सेकेंड गोइंग। ठीक है, सेकेंड एंड फर्स्ट, उसके बाद आपका ये फर्स्ट, ये फर्स्ट फ्लोर, आपका ये ग्राउंड फ्लोर। ओके, आपका ये राइजर्स, ये आपका क्या है, स्टेप्स। स्टेप्स क्या कहलाता है आपके पास, राइजर एंड ट्रेड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो पॉइंट बनता है, वो आपका स्टेप्स बनता है। तो ये आपका क्या है, ट्रेड्स। ठीक है, ये आपके पास ट्रेड्स है और ये आपका राइजर है, तो ट्रेड्स 3000 मिलीमीटर है और राइजर आपका 150 मिलीमीटर है। क्लियर, ये हाइट की विड्थ। तो आपके अब क्या देखना है, आपको हाइट निकालनी है फर्स्ट गोइंग की, हाइट क्या रहेगी, हाइट क्या निकालनी है आपको, ये इसके टॉप से इसका टॉप तक। ठीक है, बिकॉज राइजर का जो स्टेप निकल रहा है लैंडिंग में मिल रहा है ना ये, तो इसलिए टॉप तक। उसके बाद ये चीज़, ठीक है, ये कितनी हाइट रहेगी, टोटल हाइट में से डिवाइड कर देंगे ना, टोटल हाइट में से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये एच प्लस आ जाएगा डैश, ये टोटल हाइट। तो कितनी थी यहाँ पे, 3000 मिलीमीटर, टोटल ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक 3000 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1500 मिलीमीटर आएगी हाइट। ओके, इसके टॉप तक कितनी हाइट है आपके पास, 1500 मिलीमीटर। उसके बाद देखते हैं राइजर, वन गोइंग में कितने राइजर आएंगे, जो ये आपके पास राइजर है, ये हाइट, ये वाली राइजर है, ये कितने आएंगे। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग इनिशियल, तो यहाँ से ये हो गया। ठीक है, तो ये 1, 2, ये कितने आएंगे इसमें, तो हम बनाएंगे इसमें। तो ठीक है, पहले हम क्या क्या निकालते हैं, नुमाइका निकाल लेते हैं। तो क्या आपके पास है, हाइट ऑफ लैंडिंग है फर्स्ट लैंडिंग की, जो आपके पास फर्स्ट है। ठीक है, क्या है, फर्स्ट लैंडिंग की, तो क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर है, इसलिए 1500 दोनों बराबर है, मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया है, तो दोनों तरफ बराबर हाइट रहेगी, तो 1500 डिवाइड बाई 150, 1500 के आपके पास फर्स्ट, यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट टॉप तक कितनी है, 1500, और एक राइजर की, क्योंकि ये भी आपके पास क्या मिल रहा है, लैंडिंग में मिल रहा है, तो 1500 डिवाइड बाई 150 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 10 नंबर्स आपके क्या आएगी, ये चीज़, ये राइजर आएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रेड्स निकालना है फर्स्ट गोइंग में, ट्रेड्स कितने आएंगे, टोटल राइजर्स है इन गोइंग, ये देखना है कि आपके पास ये टोटल राइजर कितने हैं, उसमें से -1 कर देंगे, बिकॉज जो आपका जो ये राइजर है, ये आपका पास मिलेगा लैंडिंग में,
ये ट्रेड्स है, ये वाला ट्रेड है, ये आपका लैंडिंग में मिल चुका है, तो इस वजह से इसको ये लंबाई बढ़ गई, तो इसके हम इसको नहीं ले सकते हैं बिकॉज ये आपके पास अभी है 1 फिट या फिर 300 मिलीमीटर में, ये 300 मिलीमीटर नहीं है बिकॉज ये लैंडिंग में मिल चुका है, ओके। तो इसलिए वजह से हम इसको -1 करना पड़ेगा, तो -1 कर दिया इक्वल टू 9 आ गए हैं, ओके। इसे ला के देखते हैं तो टोटल क्या आएगा, टोटल स्टेयर, टोटल स्टेयर में टोटल फ्लाइट आपके पास है 2, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। जब एक में कितने हैं राइजर, हम क्या निकालें ट्रेड्स, कितने हैं 1 में 9, तो 9 और 2 में कितने हो जाएंगे 18, तो टोटल नंबर्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे टोटल टोटल ट्रेड्स कितने, 18 नंबर्स, क्लियर। आप यहाँ पे गिनेंगे तो 1 2 3 ट्रेड 1 2 3 इस तरह से आप गिनेंगे तो आएंगे, देखो मैं यहाँ पे बना चुका हूँ मैं टोटल ट्रेड्स, तो मैं अभी बताऊंगा पहले न्यूमेरिकल निकाल कर फिर कोर्स एक्शन में समझाता रहूँगा मैं आपको। तो 18 नंबर्स निकाल दिए हैं, क्या हुआ आपने ट्रेड्स निकाले यहाँ पे 1, ये कि आपके पास ट्रेड है, ठीक है, ये चौड़ाई 1 फीट की है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास 9 हो गए। उसके बाद आपके पास ये लैंडिंग आ गई, जो इसकी चौड़ाई है ये क्या आपके पास 1000 मिलीमीटर है, मिनिमम इतनी होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं टोटल राइजर्स, आपके पास ये ट्रेड तो निकल गई, इस क्रॉस सेक्शन में आपके पास ट्रेड्स आएंगे, उस और इस क्रॉस सेक्शन में आपके पास आएंगे राइजर, ये अभी बताऊंगा। मैंने क्या बनाया, एक ग्राफ बना लिया, एक तरह से ग्राफ, तो इस ग्राफ में आपको जीना कैसे बनाना है, कैसे इसको मॉडिफाई करना है, तो वह अभी बताऊँगा इसमें, ठीक है। ये आपको डिज़ाइन करना है आपको अभी, तो कितने हैं टोटल्स 20, एक में कितने हैं 10 और 2 में कितने हो जाएंगे टोटल ट्रेड्स कितने हो जाएंगे, जैसे कि ये वाले 1 2 3 4 ये वाले यहाँ तक, ये एंड तक, इसमें भी टोटल ये वाले, जो भी लैंडिंग मिला, ये भी लैंडिंग मिल चुका है, तो ये भी आपको गिना जाएगा, ये वाला राइजर हाइट वाला, तो 20 नंबर्स ऑफ राइजर हो गए। उसके बाद देखते हैं लेंथ ऑफ द स्टेयरकेस, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लंबाई, हमें टोटल नंबर राइजर हो गया, स्टेप्स हो गया, अब हमें ये क्या निकालनी है, लंबाई। आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास क्या है, ट्रेड्स हैं, ठीक है, इधर भी 9 है, इधर भी सेम है, तो ये लंबाई निकालनी हमें, तो एक यहाँ पे कैसे निकालें, देखिए आप कैसे निकालोगे, अगर आपके पास ट्रेड्स इन फ्लाइट कितने हैं, ट्रेड्स 1 फ्लाइट में कितने हैं, एक में निकालेंगे ना, क्योंकि ये भी बराबर है दोनों के सेम, तो कितना है 9, आप क्या निकाल रहे हैं, लंबाई निकाल रहे हैं, जस्ट ओनली लेंथ, तो 9 ट्रेड्स है 1 फ्लाइट में, ओके, तो 9 आप निकाल चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं विड्थ ऑफ 1 ट्रेड्स, आपको देखना है कि जो एक की चौड़ाई कितनी है, एक की चौड़ाई कितनी है 300, क्लियर। उसके बाद देखते हैं लैंडिंग, आपको ये क्या करना है, लैंडिंग प्लस करना पड़ेगा, इनर टू इनर स्टेयर का इसका डिजाइन निकाल रहे हैं, सो तो 9 × 300 + 1 तो इक्वल टू 3700 मिलीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 9 × कितना 9 हो गए, कितने ही है, एक की चौड़ाई कितनी है 300, सपोज स्पेसिंग मान लीजिए एक की 300 है, तो टोटल 9 तक स्पेसिंग 300 इक्वल टू 2700, ठीक है, प्लस 1 ये लैंडिंग की चौड़ाई कितनी है 1000 इक्वल टू 3700, ओके, क्लियर, मैंने 3700 लिख दिया यहाँ पे। अब हम स्टेयरकेस की लंबाई तो हमें पता चल गया है, अब इसकी चौड़ाई वो देख लेते हैं हम कि चौड़ाई कितनी आएगी, तो यहाँ पे ब्रेथ क्या है स्टेयरकेस की, 2 × ब्रेथ ऑफ द स्टेयरकेस, 2 × ब्रेथ चौड़ाई क्या है एक की, तो जब एक की चौड़ाई आपके पास है 1000 मिलीमीटर तो दोनों की कितनी हो जाएगी, तो × + 100, ये 100 क्या आपका जो स्पेसिंग देते हैं ना, या बीच में स्पेसिंग देते हैं मिनिमम 100 50 50 तो 100 150 200 मिनिमम 100 तक ले लेते हैं, ठीक है, तो कितना हुआ, क्या हुआ 2000 और प्लस 1 तो 2100 मिलीमीटर हो गया। चलिए स्टेयर केस की हमें ये तो पता चल गया कि लंबाई और चौड़ाई क्या है, एरिया निकाल लेते हैं यहाँ से, लेंथ और इंटू ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई क्या है 3700 और चौड़ाई क्या है 2100, तो क्या है मिलीमीटर में इतना एरिया आएगा, और टोटल कवर एरिया आएगा 7.7 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको स्टेयर केस का डिज़ाइन बनाने के लिए आपके पास जगह अंदर से अंदर होनी चाहिए 7.77 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर आप निकाल रहे हैं इसे कि यहाँ पर मैं ब्रिक वर्क करूँ या फिर मैं यहाँ पे कोई रिटेनिंग वॉल दे देता हूँ, कोई आरसीसी वॉल दे देता हूँ, तो उसमें क्या करेंगे 3700 प्लस यहाँ पे आप क्या वॉल निकाल रहे हैं और इधर भी वॉल निकाल रहे हैं, तो इधर वॉल निकाल रहे हैं, तो बोथ साइड में आपको क्या करना पड़ेगा प्लस, ओके। स्टेयरकेस का ये इंडल टू इंडल साइज है, अगर आप जो भी बोथ साइड में आप लेना चाहते हैं तो आपको प्लस करना पड़ेगा,
जैसे कि यहाँ पे आपको वॉल करने कर रहे हैं यहाँ पे इधर की साइड में 3700, यहाँ पे वॉल बढ़ा रहे हैं तो 3700 प्लस 230, जैसे कि 230 ब्रिक वर्क ले रहे हैं यहाँ पे ब्रिक वर्क, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 2100, 2100 चौड़ाई है तो बोथ साइड में ले रहे हैं तो प्लस 2 × 230, जैसे यहाँ पे ब्रिक वर्क ले रहे हैं इधर ब्रिक वर्क ले रहे हैं तो एरिया आपके पास टोटल कवर एरिया जाएगा उससे। ओके चलिए आगे देखते हैं हमें क्या करना है, डिज़ाइन बनाना है। इस तरह से आप बनाएंगे तो स्टेयर केस निकल जाएगा। देखिए लैंडिंग कितनी है, दो लैंडिंग आएंगी इसमें, 1 और 2, ये क्या आपके पास सलाई में मिल जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 की आपके पास ये लैंडिंग, ठीक है, ये आपके पास लैंडिंग आ गई। तो 9 और 10, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 टोटल नंबर्स ऑफ स्टेप्स आपके आएंगे 19। राइजर आएंगे आपके पास, राइजर आपकी 18, राइजर आएंगे 20। ये क्या है, ये एजिंग है, जो एजिंग होता है वो आपका राइजिंग राइजर कहला जाता है, ये आपकी जो खड़ाई है इधर से खड़ाई है। चलिए मैं आपको हाइट में बना देता हूँ, यहाँ पर बना देते हैं। आपको पता है कि 10 तक आपके पास फर्स्ट फ्लाइट था, आपके पास 10 तक था, तो ये क्या आपके पास मैं मिला देता हूँ। ट्रेड्स कितने थे फर्स्ट फ्लाइट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया, यानी 9। ओके आपका ये क्या हुआ, 9 हो गया है, तो 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 हो गया आपके पास, ये क्या हुआ लैंडिंग हो गई, ये 9 क्या है, ये ट्रेड्स है। और राइजर क्या हुआ, इस तरह से राइजर आपके पास ये हो गया 10, तो ये क्या हुआ, ये वाला जो राइजर है ये 10 है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। अब जब ये लैंडिंग आपकी हो गई तो लैंडिंग से ही स्टार्ट करेंगे ना 1 राइजर, तो ठीक है, तो आपके पास ये क्या हुआ 11 का क्या हुआ राइजर, ये आपके पास ट्रेड। ओके तो कितना हुआ, देखिए अब मैं यहाँ पे एज्यूम कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे इधर से बनाना शुरू कर देता हूँ मैं इधर से, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है तो आपके पास 9, ये क्या था आपके पास 10, ये क्या था आपने लैंडिंग, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 आपके पास ये 19 और ये 20 की आपके पास लैंडिंग है। टोटल कितने थे स्टेप्स, 19, ठीक है 90 हो गया। तो 9 ये क्या होता है 19 और 9, 9 और 9, 18 आपके पास ट्रेड्स हैं, राइजर आपके पास हो गया 1, 2 आपके पास राइजर कितने, यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी शो कर दिया है 20, ये क्या आपके पास राइजर इधर से, हाइट आ गई 3000 मिलीमीटर, ठीक है। आप जैसे ही आप क्या करेंगे रेस्ट लैंडिंग यूज करेंगे, आप रेस्ट लैंडिंग, तो इस तरह से आप क्या कर देंगे इन तीनों को मिला दे जाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या हुआ आपके पास, सॉरी यहाँ पे इस तरह से मिला, तो ये आपके पास इधर से टूट जाएगा कुछ लैंडिंग बनेगी, तो ये जो भी हटके बनेगी थोड़ा पीछे याद रखना है, अगर आप कोई बीम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं इधर से तो बीम प्रोवाइड, जैसे यहाँ से थोड़ा पीछे करेंगे आप बीम, यहाँ से बीम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करने को पड़ेगा इधर से बीम ले देंगे इधर से स्टेप से, ठीक है। या फिर आप क्या करते हैं नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो स्टेज जैसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लैंडिंग इधर से तो ये लैंडिंग यूज करेंगे। तो इसकी जो डिज़ाइन है ड्राइंग है मैं बता चुका हूँ, आप उस प्लेलिस्ट स्टेयर का ओनली एक स्टेयर का प्लेलिस्ट चैनल है उसमें देख लेना कि स्टेयर डॉग लेग स्टेयर का आपको रेनफोर्समेंट किस तरह प्रोवाइड करना है, किस तरह से आपको यूज़ क्या करना है, ओके तो उसमें आप देख लेना आपको वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पास मिला देना इस तरह से और ये लैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या बन जाएगा स्टेयर डिज़ाइन बन जाएगा। देखो मैंने क्या किया है, अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं किसी, अगर आप प्लेन पे आप ग्राफ बनाना चाहते हैं डिज़ाइन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिंपल सा इस तरह से आप इसको प्लान ले लेंगे, प्लान बनाएंगे क्रॉस सेक्शन बना देंगे। तो हाइट वाला कैसे बनाएंगे, देखिए सिंपल क्या क्या है, इसके पैरेलल किया जाइए, इसके पैरेलल ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन है इसके पैरेलल है बिल्कुल, ये इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। यहाँ पे देखिए 13 है तो इसके सामने यहाँ पे भी देखिए कहाँ पे आएगा 13, ठीक है 13 है, इसके सामने 14 है तो ये भी 14 है, ये 15 है तो 15 है, 16 है तो 16 है, यहाँ पे भी 17 है तो ये भी आपका 17 आ रहा है, 18, 19 और 20, ये दिया लैंडिंग है आपके पास, ठीक है लैंडिंग। अब हम राइजर देखते हैं, राइजर आपके पास इस तरह से आएगा कि हाइट आपके पास है और हाइट इस तरह से राइजर अलग आएगा, ओके। तो इस वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।